परेशानी ये जग्गा की बनी हुई है। आपके पापा कहाँ से ले कर आएंगे और इसके जो है कमी पूरी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, शाम का जो है हमारा व्लॉग हो गया शुरू। तो जाना कहीं नहीं, रहना हमारे साथ। क्या लेकर आई हो? गन्ने। चलो ठीक है। तो छोटी सी होती है मेरी रिक्वेस्ट बहन भाइयों के लिए, जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से करते हैं शुक्रिया अदा, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं उसके कुछ पैसे भी नहीं लगते, छोटा सा बेल आइकन को दबाना है तो घंटी को कर देना प्रेस, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज जो है अपने मकानों को करवाती हूँ आपको विज़िट। तो आज जो है मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि सुबह के मैंने कपड़े धोना शुरू किया है तो टांग में जो है ना बहुत पेन हो रही है, दर्द हो रही है और मुंह से ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। तो दवाई जो है वो भी ख़त्म हो चुकी है, मुखलिस को कहा है कि मेरी टेबलेट लेकर आना, तो वो दवाई लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी खाऊंगी। तो ज़्यादा देर मैं खा नहीं सकती, चलती हूँ आगे करवाती हूँ आपको विज़िट। अभी जो है कैमरा मेरा हो रहा है बंद जी। तो ये देखिए मेरी बाइक सेट आपको नज़र आ रही होगी, ये दीवारें जो अभी यहाँ तक पहुँच चुकी हैं और वो वाली दीवार जो है वो पहुंची है छत के करीब। अभी जो है कुछ रहती हैं लेकिन ईंटें जो है हमारी कम पड़ गई हैं। मिस्त्री भाई जो है कब के छुट्टी करके चले गए, उन्होंने कहा है कि आपका सामान वगैरह मुकम्मल नहीं है तो ये भी जल्दी से मंगवा लो। तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला, क्योंकि आगे जो है रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो भाइयों ने बोला है कि जल्दी से आपका काम हम ख़त्म कर लें, ताकि वो आए हैं ना बहुत दूर से तो इंशाल्लाह वो भी अपने घर जाएंगे। तो वो जो है ना माह रमज़ान की तैयारियां करनी है सब लोगों ने, इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो हमने भी रोज़े रखने हैं। तो मेरा सामान वगैरह जो सारा बिखरा पड़ा है, मैं कहती हूँ कि मेरे मकान जो है मुकम्मल हो जाएँ, तो मैं भी टाइम से अपना सफाई सुथरा निज़्म ईमान है तो मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। तो इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा वही है, चलते हैं अंदर की तरफ। ऊपर ये ना रास्ते में थोड़ी सी ईंटें पड़ी हैं, हाँ जी, कोशिश करती हूँ जाने के लिए कि मैं पहुँच जाऊँ आगे की तरफ, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने अपने मकान का विज़िट नहीं करवाया। ये देखें मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी गैलरी के अंदर, ये हमारी गैलरी बनी हुई है। ये है मकान की अंदर की चार दीवारी जो अभी अधूरी खड़ी है, नीचे दिखाना है कोई ईंट वगैरह नहीं पड़ी है, ये छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं जो मिस्त्री भाई कहता है कि इसको इकट्ठे करके रख देना, आपका ना ये फर्श का रोड़ा बन जाएगा, कुछ कम पड़ जाएगा वो लेना पड़ेगा तो इसको रख देंगे, जब फुर्सत होगी तो ये फर्श भी डलवा लेंगे। अभी सोच रहे हैं कि मुकम्मल तो हो जाए। अभी जो है पहुंच चुके हूँ मैं दूसरे रूम में, ये वाली इनकी दीवारें दो जो है मुकम्मल हो चुकी हैं, ये वाली और ये वाली जो है बीच वाली सेंटर की वाली ये मुकम्मल नहीं हुई। तो यहाँ से जो पुराना कमरा था हमारा इसके आयरे की खुदाई की है तो कुछ ईंटें यहाँ से निकली हैं, ये पड़ी हैं, तो ये मिट्टी वगैरह जो है ये भी जब मिस्त्री भाई आएंगे तो इसको ना अरे के अंदर डाल देंगे,
तो फिर जो बर्फी और डालनी पड़ेगी वो भी डालेंगे। ये रहा है हमारा मकान और ये मकानों का हमने किया है विजिट, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई हाल इनका निकल आएगा। मिस्त्री भाई जो है वो भी रोज़ जो है झगड़ा करते हैं। मिस्त्री भाई का क्या कसूर है, अरशाद भाई है, उन्होंने ठेका लिया है, उनको कहा है कि ठेके पे काम करो, तो जितनी हो सकेगा आपको जल्द जो है हम आपकी जो है मजदूरी दे देंगे, लेकिन उसकी जो लेबर उसके साथ काम करती है उनको खर्चा चाहिए होता है, तो इसलिए वो ना हर रोज़ झगड़ते हैं कि एक हफ्ते से ऊपर हो गया आपका काम कर रहे हैं, आपने हमें पेमेंट नहीं दी तो हम काम नहीं करते। कौन सा हमारा यहाँ पर घर है, वो तो अलीपुर से आए हैं बहुत दूर से, तो बच्चे हैं उनका ख़र्चा तो होता है, जो नौजवान हैं उनका भी ख़र्चा होता है, बैलेंस का, पैकेज का, और इधर इधर बहुत सारे होते हैं ना जो जवान लोग होते हैं, अकेले होते हैं, उनको बच्चों की परेशानी होती है, उनको जो छुपा के रखते हैं, अभी तो उनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, उनके खाने पीने के दिन है, वो कहते हैं सारा दिन गर्मी में काम करते हैं तो पैसे तो बनता है ना, तो जब काम ख़त्म होता है तो फिर चले जाते हैं अपना घूमने फिरने के लिए, कोई चीज़ ठंडा गर्म खाने पीने के लिए, तो इसलिए ना वो भी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो इंशाल्लाह वो भी उनकी प्रॉब्लम जल्द हल हो जाएगी। मुखलिस चले गए हैं तो इंशाल्लाह कोई ना कोई काम करके आएंगे। पहले भी जो सामान मंगाया था ना वो उधार पे लिया है, भाई लोग जो हैं उनको कहा है कि कुछ दिन ठहर जाओ, जब भी हमारे यहाँ पैसे आए आपको भिजवा देंगे। हाँ जी, गन्ने लेकर आ गए, गन्ने लेकर आ गए, चलो ठीक है बेटा ना करो। कितने लेके आएगे हो? दो। अच्छा जी, तो अम्मी जी मैं सामान देखा है तो चीनी नहीं है, बस हो गया सारा का सामान है। हाँ जी ठीक हो, पहला भाई अभी जा रहे हैं जी, तो चीनी जो खत्म हो गई थी तो चीनी भी लेनी है, चीनी लेके आएंगे तो फिर जाकर देंगे, तो फिर चाय बनाएंगे, शाम को बनाते हैं मिस्त्री पीते हैं, हम भी पीते हैं, तो दोपहर को बनाते हैं फिर मिस्त्री पीते हैं, हम पीते हैं, तो फिर जो सुबह ही बनाते हैं फिर सब पीते हैं जी। ठीक है जी, अभी चलते हैं दुकान पे, फिर जो आपके साथ शेयर करते हैं। प्यारे भाई हम जो पहुंच चुके हैं दुकान से, तो यहाँ से लेते हैं जी चीनी, चीनी लेके तो फिर चलना है घर, घर जाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, अभी जो ये बच्चों को चीनी दे रहे हैं, फिर जो चीनी लेंगे फिर चलते हैं घर। प्यारे भाई हम जब पहुंच चुके हैं घर, तो ये देखो चीनी ले ली है, फिर लेके जा रहे हैं, तो फिर चीनी जो है देते हैं घर, तो फिर जो है आपके साथ शेयर करते हैं। तो ठीक है जी, अभी चलते हैं जी तो अम्मी की तरफ, तो अम्मी जो है तो ये देखे जी ढोलों को देखे चेक कर एहसान, एहसान बेटा चलो, ओ अंकल आंटी को नात सुना दो, ना सुनाओ, नात सुनाओ, ना सुनाओ, हस्बी रब्बी सुनाओ, नात सुनाओ, हस्बी रब्बी जल्लल्ला मा कल्बी गैरुल्ला नूर मुहम्मद चलो इधर बैठो, बैठो इधर मेरे साथ बैठो, घी डालो, घी घी डाले, घी डाले फिर ये अजाने भी होने वाली है, शाम हो गई है, अभी तक हमारा साला नहीं रेडी हुआ, ये देखिए घी भी डाल दिया है, ज्यादा डाल दूं क्योंकि सब्जी ज्यादा है। हाँ जी, लाइट भी नहीं है और धारे भी होने वाला है, होने वाला है, लाइट तो कब की गई है, मैंने सुबह की मशीन लगाई है, अभी तक भी मेरे कपड़े नहीं धुले, अभी तक भी पड़े हैं। हाँ जी मामा, हाँ जी अभी उनकी सफाई हो गई, बिजली कटी है, नहीं सफाई हो गई है, हाँ
सफाई हो रही है, वो कहती है लाइन की जो है ना सफाई हो रही है हाँ जी, तो इसलिए लाइट नहीं है। कब तक आ जाएगी? शाम तक आ जाएगी। चलो फिर दोबारा ये देखें, आप गिर जाएंगे चूल्हे के ऊपर, जल जाएंगे। बेटा बेटा शाम को ना ले जाए गन्ना, इसको खिलाएं जाए, इसको ले जाए। चलो आपको गन्ना देते हैं, गन्ना। चले जी, अभी डालो जाल आएगी गन्ने चने। हाँ जी, तो नहीं 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 करो, बात ना करो, डाला गन्ना दे, आ गन्ना दियो, चले 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 चले। अभी जे मसाला डाल दिया है, गरम हो चुका है। हाँ जी, मसाला भी डाल दिया है। अभी अदाने भी आ रहे हैं, मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने। हाँ, नमाज अदा करने। हाँ जी, अभी इधर से ना कुछ आवाजें आ रही हैं, मुझे शक पड़ा है कि मेरे कमरे के अंदर कौन घुस गया है। देखती हूँ इधर, ये देखें अलमारी जो है ये भी खुल रही है, लगता है इस कमरे में कोई है। वो छुपा ढूंढ लिया है मैंने, आप छुप के क्या मेरे मकान तोड़ने आ गए थे? नहीं, मैं व्लॉग बना रहा था। इतनी आप नीचे जा रहे हो, बहुत बड़ी सी दीवार है। वो ना सारा विजिट करा दिया है। माशाल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह विजिट करा दिया, शुक्रिया। आपका चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बाहर बनाए अभी जो है कमरे से आ चुके हैं बाहर, और इधर जो है जैनब अपना होमवर्क कर रही है। माशाल्लाह, अभी लिखाई कर रही हो? अब तक आपको खेलने की पड़ी थी। इधर देखना, अब तक कहाँ गई थी? खेलने। टाइम से ना अपना काम कर लिया करो, ठीक है? फिर आपको टीचर मारती है, फिर कहती हो मम्मा मुझे वो डांटती है, कैसे कसूरवार उसको ठहराते हो। अपना काम जो है ना टाइम से कर लिया करो। मोबाइल की लाइट जला लेना। हाँ, मैं भूल गई थी, बहुत अंधेरा। आप तो खुद जैसे आपके कमरे है वैसे अपनी आपकी शक्ल है, कमरे के अंदर भी ऐसे लग रही थी और बाहर भी। हमें क्या हुआ, हमें क्या हुआ, ये बताएं क्या हुआ? मेरी ना टांग में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, परेशानी भी बहुत ज्यादा है कि इतनी मेरे पास हो कि मैं कहीं अच्छे से डॉक्टर के पास चली जाऊं, अपना चेकअप करवा लूं। एक परेशानी ये जगह की बनी हुई है, आपके पापा कहाँ से लेकर आएंगे और इस जो है कमी पूरी करेंगे? और दूसरा, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं बर्दाश्त करके अपना काम करती हूँ। आज सुबह से ना मैंने कपड़े धोने शुरू किया है ना, बहुत मुझे तकलीफ है, मैं चल फिर भी नहीं सकती, मेरी टांग में इतनी दर्द है ना बहुत ज्यादा, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने दुआ है, इंशाल्लाह सबको ठीक ठाक हो जाएंगे। एक महीना होने वाला है, पता नहीं अल्लाह पाक कब शिफा देगा।